अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है सास बहू के किचन में। तो अम्मी आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आज बनाने जा रहे हैं आपके लिए नई रेसिपी लाए हैं हम, आलू की खीर। आलू की खीर कैसे बनाते हैं वो अम्मी आपको बताएंगी। तो इधर हमने 5 मीडियम साइज के आलू रख दिए उबालने के लिए। उसको उबाल लेंगे कुकर में, जब ये 2-3 सीटी आ जाएगी तो हम इसको बंद कर देंगे। और इधर हमने कढ़ाई रख ली है, देखिए यहाँ पे हमारी कढ़ाई चढ़ गई और कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें घी डालेंगे, 1 चम्मच हमने घी डाले इसमें। और ये जो ड्राई फ्रूट हमने रखे थे, थोड़े हमने काजू लिए, थोड़े बादाम लिए और थोड़ी चारोली लिए, ये हम इसको पहले तल के निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, तेज आंच पे नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी से जल जाते हैं, तो इसको स्लो आंच पे हमको करना है। हल्का सा हो जाएगा फिर हम निकाल लेंगे, खाली कुरकुरा हो जाए बस इतना हमको करना है। हम इसको निकाल लेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से हमने धो के कढ़ाई रखी। और अब हम इसमें डालेंगे शक्कर, हमने 1/2 किलो शक्कर लिए क्योंकि हमारे घर में मीठा खाते हैं, इसके लिए आप अपने हिसाब से शक्कर डालेगा। आप फीका खाते तो फीका और तेज़ खाते तो। और इसको सिलोई आँच पे रखिएगा, आँच तेज़ नहीं करिएगा नहीं तो जल जाएगी शक्कर, फिर कड़वाहट आ जाएगी। अभी हमने सिलो पे रखे इसको, अब हल्का हल्का सा पानी छूट रहा है बस, अच्छी इसको होने देने का, एकदम तेज़ आँच पे नहीं रखने का क्योंकि ये जल जाएगी फौरन। इसी सिलो आँच पे ये पानी छूटेगा, खुद ही हो जाएगी शक्कर। देखिए इधर हमारा कैरेमल बन गया, अब इसमें हमको दूध छोड़ना है। हमने 1 लीटर दूध लिए शक्कर का कैरेमल बनाने का, और ये 1 लीटर हमने दूध लिए, थोड़ा डालेंगे और इसको ऐसे हिलाते रहेंगे, इसको ऐसे, ये जम भी जाए तो टेंशन नहीं लिएगा, घुल जाएगी। जब दूध पकेगा तो खुद ही शक्कर घुल जाएगी। दूध पकेगा तो शक्कर घुल जाएगी, अगर शक्कर रखी है तो टेंशन नहीं लिएगा, शक्कर खुद ही घुल जाएगी इसमें, और दूध हमारा गुलाबी सा हो जाएगा एकदम, हमको कोई चीज़ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं। देखिए इधर हमने ये ग्रेटर लिए, इसको आलू को बारीक बारीक इसमें कर लेंगे, कद्दूकश हम इसलिए कर लेंगे, उबाल के कद्दूकश कर लेंगे। देखिए दूध पक रहा है और जितनी शक्कर थी हमारी सब पिघल के, ये चम्मच में लगी ये भी पिघल जाएगी। जो हमने आलू क्रश करके रखे वो डाल दें, चलाते रहेंगे। कैरेमल बनाने में हमको 15 मिनट गए क्योंकि वो सिलो आज पे ही पकेगा और अच्छा पकेगा, तो दूध ऐसा गुलाबी होएगा ना तो जल जाएगा।
कर ये खीर ये मीडियम आंच पे पकाना हमको और इसको चलाते रहना बस। ये गाढ़ी हो जाएगी फिर हम बंद करेंगे गैस। देखिए हमारी खीर इतनी गाढ़ी हुई, हमको पकाते पकाते 20 मिनट हो गए और ये अच्छे से हो गई। और अगर आपको ज़्यादा वैसी चाहिए तो आप मिक्सर में पीस के भी डाल सकते हैं आलू के। हमको ऐसी अच्छी लगती है इसीलिए हम ऐसी रखते हैं इसको। हम डालेंगे इसमें 2 बूंद मीठा इतर। अगर आपके पास मीठा इतर नहीं है तो आप केवड़ा एसेंट भी डाल सकते हैं। डालेंगे ये हमने जो ड्राई फ्रूट तल के रखे हैं वो थोड़े डालेंगे। गैस को बंद, खीर हमारी तैयार हो गई। हम डालेंगे इसमें 2 बूंद मीठा इतर। अगर आपके पास मीठा इतर नहीं है तो आप केवड़ा एसेंट भी डाल सकते हैं। और थोड़े से डालेंगे ये हमने जो ड्राई फ्रूट तल के रखे हैं वो थोड़े डालेंगे। गैस को बंद, खीर हमारी तैयार हो गई। तो देखिए तैयार हो गई हमारी आलू की खीर। आप भी बनाइए और कमेंट में हमको बताइए। कमेंट ज़रूर करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। आप अपने घर में ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। हम आपको अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।